Hello children, so today we are going to study about fats. What you are going to study? Fats. Fats are also known as lipids. Okay? The basic difference between the fats and lipids in the general terms, we say that the fats are solid at room temperature and the lipids are liquid at room temperature. Otherwise, chemically both are same. Okay? Chemically both are identical. So, fats and the lipids. बेसिक जो हमने डिफरेंस बताया वो फिजिकल टर्म में दैट इज दैट द फैट्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एंड लिपिड्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर सो दैट इज द डिफरेंस नाउ फैट्स होते क्या है फैट्स आर द एस्टर्स फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स and glycerol. Fats are esters of fatty acids and glycerol. Now what are fatty acids? That means agar hum fatty acid plus glycerol ko mila denge to humko kya milenge? Fats or lipids milenge. Okay? And the bond which is formed is actually ester and this process is called esterification. You already studied about esterification in class 10th. Okay? Saponification and esterification you have done. Fatty acids are simple organic acids in which the number of carbon can vary from 3, 4, 5, 6 to 17, 18, 20 जो भी आप लेना चाहें तो in general अगर मैं ले लेता हूँ that is C15H31COOH Suppose this is a fatty acid, एक और ले लेते हैं C17H35COOH, एक और ले लेते हैं ये ले लेते हैं दोबारा 17H35COOH. तो हमारे पास तीन fatty acids हैं, three different molecules of fatty acid. इसको reaction कराएंगे किससे? One glycerol से. Glycerol का formula होता है OHCH2. OHCH2 where these carbons are bond together. Actually OH उस तरफ होते हैं लेकिन हमको रिएक्शन करानी है तो वी आर जस्ट पुट इट अदर वे मॉलिक्यूल में ऐसा रखूँ क्या डिफरेंस कर रहा है इन अ बीकर और इन अ टेस्ट ट्यूब मॉलिक्यूल में भी लाइंग इन एनी डिफरेंट डायरेक्शन है ना वो तो कैसे भी पढ़ा होगा ये तो जस्ट फॉर द राइटिंग जस्ट फॉर द लर्निंग सेक वी आर राइटिंग सो इफ ऑल दिस थ्री ओएच आर दिस साइड देन यू कॉल इट ग्लिसरॉल तो ये भी तो वही हुआ ना नाउ दिस एच एंड दिस ओएच फॉर्म्स थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड व्हाट वी गेट इज ट्राइग्लिसरिक फैट क्या कहेंगे इसको ट्राइग्लिसरिक तो C15H31COOCH2 C17H35COOCH एंड C17H35COOCH2 तो ये ए तो इसको हम कहेंगे ट्राइग्लिसेरिक फैट इफ थ्री फैटी एसिड्स आर कंबाइनिंग विद वन ग्लिसरॉल इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसरिक इफ टू फैटी एसिड्स आर कंबाइनिंग विद वन ग्लिसरॉल देन इट इज कॉल्ड डाइग्लिसरिक और अगर एक ही फैटी एसिड कंबाइन कर रहा होता अदर दो खाली रह जाए तो हम इसको कहते हैं मोनोग्लिसरिक फैट ठीक है सो फैट्स आर esters of fatty acids and glycerol ये हमने पढ़ा fats are esters esters क्या होते हैं ऐसे compound जिसके दोनों साइड में क्या कहते हैं hydrocarbon से और बीच में COOH bond से ये जुड़े हुए ठीक है तो esters are actually formed by a reaction between COOH group and OH group ठीक है esters जो होते हैं उनमें खुशबू होती है आपने पढ़ा है कि एस्टर जो होते हैं दे आर एक्चुअली मेंट फॉर गिविंग वेरियस टाइप ऑफ एरोमा है ना उससे खुशबू आती है तो आप देखिए जितने भी तेल होते हैं उनमें अपनी खुशबू रहती है आप जानते हैं मस्टर्ड ऑयल लोग बाग अच्छा है असली है नहीं है पता करने के लिए थोड़ा सा हाथ पे लगाते हैं सूंघते हैं बोला हाँ सर ये असली है
है ना, कोई बोलता कि नहीं नहीं इसमें तो नकली है ये, है ना, मिलावट है। घी के अंदर अपनी खुशबू रहती है, मूंगफली के तेल के अंदर अपनी खुशबू रहती है, तो ये जितनी भी खुशबू है ये एस्टर्स के कारण है। एंड ऑल द सेंट्स एंड ऑल द डिओड्रेंट्स एंड ऑल द अदर थिंग्स वॉट एवर यू आर यूजिंग इन द सोप्स इन द परफ्यूम्स वेर एवर यू आर यूजिंग ऑल दोज आर एस्टर्स, दोज एस्टर्स आर आर्टिफिशियली मेड, ठीक है, एंड देर आर सम नेचुरली अक्रिंग एस्टर्स। तो एस्टर्स आप समझ गए, है ना। फैटी एसिड डाइजेशन के बाद में क्या बनाएगा, यही बनाएगा, दे विल सेपरेट द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैट्स ऑन डाइजेशन विल गिव फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल वाटर सॉल्यूबल है, चाहे तो निकल जाए बाहर, ना अब नहीं निकले। ये भी छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं फैटी एसिड्स के, दे आर वाटर सॉल्यूबल, द लार्ज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वाटर सॉल्यूबल, सो दीज विल बी यूज। तो ये तो एक जनरल टेंडेंस, जनरल इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। वेयर आर फैटी एसिड यूज्ड, वेयर आर फैटी एसिड यूज्ड इन द बॉडी, फैट्स की क्या फंक्शन है, क्या काम आते हैं फैट्स, रादर आप फैटी एसिड छोड़ दीजिए, आप फैट को पढ़िए, तो फैट क्या काम आते हैं। फैट्स आर वेरी यूजफुल कंपाउंड इन आवर बॉडी, तो उनके फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस और द यूजेस ऑफ द फैट्स। तो फैट्स कहाँ काम आ रहे हैं, ये फैट्स एंड लिपिड्स, सबसे पहले दे आर मेकिंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, एंड देयर वी आर स्टडीड दैट देयर इज अ बाई फॉस्फोलिपिड, दो लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, दो लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं और उनके बीच में प्रोटीन्स की लेयर मिलती है, ठीक है। तो वो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या हैं, दे आर फैट्स, द फैट्स इन विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच, तो फॉस्फोलिपिड्स हैं, टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर देयर इन अ सेल मेम्ब्रेन। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन हो गया सेल मेम्ब्रेन। नाउ यू कैन नॉट इमेजिन लिविंग बींग्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या सेल तो चाहिए ही चाहिए ना लिविंग के लिए। हमने पढ़ा था बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट, इट इज सेल, बट सेल विदाउट मेम्ब्रेन इज नॉट पॉसिबल। सेल वॉल हो तो हो, ना हो ना हो चलेगा, देर आर सम ऑर्गन्स इन विच सेल वॉल आर प्रेजेंट, देर आर सम ऑर्गन्स इन विच सेल वॉल आर नॉट प्रेजेंट, बट सेल मेम्ब्रेन इज मस्ट, सेल मेम्ब्रेन इज मस्ट, विदाउट मेम्ब्रेन के कैसे सेल विल सर्वाइव, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स वी ऑलरेडी स्टडीड, प्रोटीन में भी पहला फंक्शन उन्होंने वही लिखाया था, दैट इज दे आर मेकिंग मेम्ब्रेन, एंड लिपिड्स में भी यही बना। दूसरा फंक्शन क्या है फैट्स का, फैट इज एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड, ये हमारी बॉडी का रिजर्व फूड है। आपके पास में ज्यादा फैट हो गई तो चर्बी बना के जमा कर लीजिए उसको, कहाँ पे, अंडर द स्किन, ठीक है, यहाँ पे कमर में, कूल्हों पे, चेस्ट में और जांघों पे। तो जितने भी लोग मोटे होते हैं इन्हीं जगहों से होते हैं, और मोटे क्यों हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ईटिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी, ठीक है। डाइट तो चाहिए कम, कंज्यूम तो कमी नहीं, मतलब क्या आप आपका पेट्रोल, आपके स्कूटर के अंदर जितना पेट्रोल चाहिए उससे ज्यादा पेट्रोल डाल करके चलाएंगे क्या गाड़ी को, नहीं है, तो वहां तो कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे पास स्टोर करने की, बट बॉडी हैज एन एबिलिटी। तो व्हाट डू बॉडी डू, बॉडी क्या करती है, फैट को उठा करके और जमा देती है अंडर द स्किन, तो इट इज अ स्टोर्ड रिजर्व फूड। जब कभी हम फास्ट करेंगे, ठीक है, कई सारे लोगों को पता पसंद नहीं है राष्ट्रपति जी, लेकिन हम जानते हैं राष्ट्रपिता जी, वो हमारी जो राष्ट्रपिता है थे ना महात्मा गांधी जी, तो वो महात्मा गांधी जी जब इंग्लैंड से लौटे, इंग्लैंड से नहीं क्या नाम से अफ्रीका से लौट के आए, साउथ अफ्रीका से, तो उनके पास वो कोई हथियार भी इतना थे भी नहीं, एंड ही वॉज नॉट ऑफ दैट काइंड ऑफ पर्सन, गुजराती आदमी सीधे, है ना, कोई ज्यादा लड़ने वड़ने का उनको मोह नहीं, तो उनको क्या है जिद एक ही थी, नहीं मान रहे बात हड़ताल पे बैठ जाओ, सत्याग्रह पे बैठ जाओ। तो सत्याग्रह में क्या है, ही यूज्ड टू लीव ईट फूड, खाना नहीं खाऊंगा सब मैं, जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे खाना नहीं खाऊंगा, जैसे हम नहीं बात करते मम्मी जो मम्मी बात नहीं मान रही तो ठीक है आई विल नॉट ईट, बना लो आप कुछ भी मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, ज्यादा ही हो गया तो दरवाजे बंद करके बैठ गए, है ना। तो महात्मा गांधी जी भी ऐसे बैठ जाते थे। अच्छा अंग्रेज तो अंग्रेज थे, नंबर वन जालिम, है ना, आजकल बड़े वो सीट पर बने फिर रहे हैं, लेकिन किसी टाइम में अंग्रेज बहुत जालिम थे, क्योंकि उनको इतने सारे देशों के ऊपर कब्जा रखना था, उपनिवेश बना रखे थे उन्होंने कॉलोनीज, ठीक है, तो दे नेवर वॉन्ट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मत खा एक दिन नहीं खा रहे, पांच दिन मत खा, हमें क्या फर्क पड़ता। बट वेन पीपल स्टार्ट लुकिंग एट गांधी जी, तो दे ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइनिंग, तो एक फिर दो फिर पांच फिर सौ फिर 200 फिर भीड़ लग गई, और यहाँ दिन बढ़ते जा रहे हैं,
तो लोगों का आकर के बोलते होंगे साहब उनको देख लो वो मर जाएंगे, तो ये सारी की सारी जनता भड़क उठेगी, हमारा जीना हराम कर देगी। तब कहीं जाके अंग्रेजों के दिल पसीजते थे। ड्यूरिंग दिस कोर्स व्हेन महात्मा गांधी यूज टू सिट, पहले जब यहाँ से इंडिया से इंडिया में थे, जब इंडिया से डरबन वगैरह चले गए थे, इंग्लैंड वगैरह चले गए थे, तो ही वॉज अ हष्ट पुष्ट मैन लाइक अस, अच्छे ही थे। अगर आप देखना उनका जवानी का फोटो, मूछें ऊंचे भी थी उनके पास और वो अच्छे दिखते थे, हैंडसम पर्सन, ठीक है। तो वो जब वापस आए तो उसके बाद वो सदा, तो धीरे धीरे उनका सारा फैट यूज होने लगा। अब जब हम फास्ट करेंगे, वैसे तो हम करते ही नहीं है, लेकिन मजबूरी आ जाए, मान लीजिए किसी बिल्डिंग में हम रह रहे हो, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, हम फंस गए अंदर, हम नीचे कौन खाना ला के दे, ठीक है। तो इट हैपन्स नंबर ऑफ टाइम, गुजरात में भुज करके एक जगह है, भुज में बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, मतलब भूकंप आया, ऑल द बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड एंड द पीपल रिमेन ट्रैप इनसाइड। 12-13 दिनों बाद भी लोगों को निकाला है और उनमें से कुछ जिंदा निकले, ठीक है। क्यों? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ फैट इज ऑलवेज ट्रैप्ड अंडर द स्किन। मोर घी बटर तेल फैट शुगर यू ईट, मोर ऑफ दिस विल बी स्टोर्ड, ठीक है। अब ये कह करके कि अरे यार कभी हम भूकंप में दब जाएंगे करके हमको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैट लीड्स टू नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। अभी तो मैं महिमा बता रहा हूँ फैट की, फिर मैं थोड़ी देर बाद में फैट के दुर्गुण बताऊंगा। तो फैट जो है मतलब दैट यूज टू रिमेन स्टोर्ड इन द स्किन एंड दैट फैट फर्स्ट प्रोवाइड्स एनर्जी। सबसे पहला तो ग्लाइकोजन होता है, हमने पढ़ा है पहले, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड दैट इज स्टोर्ड इन द मसल्स एंड लिवर। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज, उसके बाद ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के दे दो तो एक दो दिन का गुजारा चल जाता है। उसके बाद बारी आती है फैट की, तो फैट अगर जो गांधी जी बैठ जाते थे उपवास में, तो तीसरे चौथे दिन से फैट की चर्बी की बारी आती थी, तो चर्बी पी गए। और उसके बाद भी अगर हम नहीं उठे, पांचवें दिन भी, छठे दिन भी, सातवें दिन भी खाना नहीं खाएं, देन बॉडी ऑल द फैट विल ऑल्सो बी डिमिनिश। कितना रखेगा यार आदमी, हमको इतने हट्टे कट्टे लेम शेम चर्बी वाले लोग थोड़ी हैं, अगर वैसे वाले बैठ जाए वो तो चिंता से ही मर जाएंगे, है ना। तो गांधी जी हैड ए विल पावर, दैट्स वाई मेरे जैसे को बेटा दूसरे दिन ही मर जाऊं मैं चिंता से, और भोजन नहीं मिल रहा करके, बट दो आई मे हैव एनी अमाउंट ऑफ फैट इन मी। तो उसके बाद नाउ द नेक्स्ट टर्म कम्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो इफ यू हैव सीन फोटोग्राफ्स ऑफ गांधी जी, ही वॉज द पुअरेस्ट पर्सन एंड ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन। गांधी जी के पास, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने उनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कहीं ये नहीं पढ़ते कि गांधी जी के नाम पर वो बिल्डिंग, गांधी जी का वहां हवेली, गांधी जी की इतनी जमीन और गांधी जी का इतना पैसा, जैसा कि हम अक्सर सारे पॉलिटिशियंस के लिए पढ़ते हैं, है ना। वो आते हैं तो खाली अकाउंट में आते हैं और जाते हैं तो भर भर के जाते हैं। क्या हमें क्या करना पॉलिटिशियन से, एवरी वन हैज टू ईट देयर ओन ब्रेड, है ना, और उससे ज्यादा करेगा भी क्या। जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतनी ज्यादा चिंता रहती है, आनंद में अपन है, जितना कमाया उतना खाया मस्त रहे, है ना, बस यही है। जिनके पास बहुत ज्यादा रिच होते हैं तो उनको ये चिंता लगी रहती है, टैक्स हो जाएगा, ये चोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, जब कोई है ना जवाब देना पड़ेगा, किसी ने केस कर दिया तो ये हो जाएगा। अपने को क्या, हमारे पैसे से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, हमने किसी का छीना नहीं है, हमने किसी का दो नंबर का काम नहीं किया। तो गांधी जी भी अच्छे आदमी थे, अब लोग बोलते रहे कुछ भी बोलते हैं, अब हर आदमी की अपनी इच्छाएं होती हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अपना अपना मोटिव रहता है। सो दैट पर्सन, तो नेक्स्ट बारी किसकी आई, प्रोटीन की। तो वेयर द प्रोटीन, प्रोटीन तो मसल्स में है, सो बेचारे उनकी मसल्स भी बिल्कुल है ना। महात्मा गांधी जी को एक्सरे कराना हो तो उनको एक्सरे करा, मतलब बॉडी की हड्डियां गिननी है तो एक्सरे कराने की भी जरूरत नहीं, ऐसा हो रहा था उनका शरीर, सारी पसलियां गिन सकते थे हम, ऑल वर्टिब्रा वी कुड काउंट, ये हड्डियां बिल्कुल है, बिकॉज ही यूज टू कीप फास्ट सो मेनी डेज। खैर हमारे हमारे को तो अपने को ये समझना है कि सेकेंड फंक्शन क्या है फैट का, फैट सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन वॉज स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड, ठीक है। थर्ड थिंग, ये जो स्टोर्ड फूड है दैट इज एक्टिंग एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, इज एक्टिंग एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट। तो मोटे लोगों को ठंड कब नहीं है, ऐसा नहीं है मोटे लोगों को ठंड नहीं लगती, ऐसा नहीं, लगना तो नहीं चाहिए लेकिन उनको लगती है, क्यों लगती है, बिकॉज वो उनको उनकी फीलिंग्स है। अदरवाइज अगर आप समुद्र के प्राणी देखेंगे जो पोलर रीजन में मिल रहे हैं, तो सच थिक ब्लबर लेयर इज देयर, फैट लेयर, that is they can easily live in the 4 degree celsius water or even in the 0 degree celsius ice,
वो इतने ठंडे पानी में भी घूम लेते हैं 0 डिग्री का पानी के अंदर। आपने पढ़ा पढ़ा है 0 डिग्री पे पानी भी होता है, 0 डिग्री पे आइस भी होता है ना, लेटेंट हीट के ऊपर डिपेंड करता है कि ओके स्टेट पे। तो 0 डिग्री के पानी में भी वो आराम से घूमती हैं वो मछलियाँ, सील्स हैं, वेल्स हैं, जरा मैं नहीं, वो उदबिला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो भी आप इनको कहो, ठीक है। तो दे हैड व्हाई, बिकॉज दे गॉट सच थिक लेयर ऑफ फैट। कहाँ से आया फैट? मछलियाँ खा गए, ठीक है। सो दे गॉट फैट, तो वो फैट के कारण जो है वो आसानी से रहेगा। पोलर बेयर लॉट ऑफ फैट इन हिज बॉडी, ठीक है। सो द फैट इज एक्टिंग एज ए इंसुलेटर लेयर विच इज नॉट लेटिंग द इनसाइड हीट टू गो आउट, नॉट एस्केप, अलाउिंग द हीट टू एस्केप। देन द फैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग कुशन। वो चेस्ट है तो ये ब्रेस्ट रीजन के ऊपर हमारा काफी सारा फैट इकट्ठा है, मेल हो चाहे फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बम्प्स ये That is जो hips हैं, तो lot of fat, so that it is giving a natural cushion। हमको ये तो हमने आर्टिफिशियल लगा लेते कि हम इंसान जो है ना, हम जब हमारे पास ज़्यादा औकात से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हम यही कुछ करते हैं कि यार इसको कहाँ खर्च करें, तो हम कुशन मंगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। अदरवाइज बॉडी हैज बीन प्रोवाइडेड विद दिस, बॉडी हैज बीन प्रोवाइडेड विद कुशनी लेयर, ठीक है। ये पाम है ना, तो इन जगहों पे अच्छी सी फैट है, तो ये फैट जो होती है दैट इज प्रिवेंटिंग द डेलिकेट ऑर्गन्स, ऑल द डेलिकेट ऑर्गन्स आर केप्ट अंडर द चेस्ट, हार्ट, लंग, लिवर, है ना, किडनी, यहाँ पे भी फैट खूब इकट्ठा होता है। लोग बोलते हैं ना कमर कमरा हो गया, तो कमर कमरा कैसा हुआ, दैट इज फैट, ठीक है। हिप्स है ना, जांगे, तो खैर जांगों पे तो कोई डेलिकेट ऑर्गन नहीं रखा है, बट ऑल दीज थिंग्स है ना, तो वो भी है। फैट्स आर अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये तीसरा हो गया, चौथा फंक्शन लगे। फैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग सेवरल हॉर्मोन्स, सेवरल हॉर्मोन्स आर फैटी इन नेचर, दैट इज आइदर वो लिपिड्स के बने होंगे या कोलेस्ट्रॉल के बने होंगे। अभी अपना नाम सुना कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, एल्डोस्टेरोन, ये जो हमने पढ़े थे एल्डोस्टेरोन एंड ऑल, तो ये स्टेरोन, ओ एन ई, ओ आर एन, ये जो लग रहे हैं ना रोन, आर ओ एन ई, ये सारे वो वाले हैं कोलेस्ट्रॉल वाले, तो फैट वाले। अदरवाइज दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, अदरवाइज दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन हो गया, है ना। यू माइट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन इन 9th class, है ना। इस साल तो हमने पढ़ा नहीं एनिमल टिश्यू, तो पढ़ाया मैंने एनिमल टिश्यू पढ़ाया मैंने, हाँ तो हमने पढ़ा, तो उसमें हमने माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पढ़े, माइलिनेटेड जिसके ऊपर माइलिन शीथ मिलती है, व्हाट इट इज, इट इट इज फैट, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, द ब्रेन मेनली फैट होता है, ठीक है। तो ये भी तो क्योंकि माइलिन लेयर ही तो होती है जो ब्रेन को व्हाइट पार्ट दे रही है, तो माइलिन शीथ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फैट। और क्या फंक्शन हो सकते हैं फैट के, हमारे कितने 5-6 फंक्शन लिख दिए हमने, 5 लिख दिए, ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। तो हमने पढ़ा कि फैट जो है वो स्टोर्ड फूड है, फैट जो है वो हमको एनर्जी, अच्छा ये भी लेकिन दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट तो सबसे ज्यादा एनर्जी दे सकता है, हालांकि बॉडी उसको यूज नहीं करती। फैट कैन गिव 39 kilojoules ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फैट, 39 kilojoules, वेर इज द कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्लूकोज है वो तो बहुत कम दे रहा है, ठीक है, और जो प्रोटीन्स है वो कम दे रहा है, तो फिर बॉडी फैट को क्यों नहीं यूज करती है। द रीजन इज दैट द फैट हैज लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू द हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन इट, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपेरिजन में उसमें ऑक्सीजन कम है, सो इट हैज मोर डिपेंडेंस ऑफ द एक्सटर्नल ऑक्सीजन, तो बॉडी जो है प्रेफर करेगी कि वो ग्लूकोज को यूज कर ले, विच हैज गॉट मोर ऑर लेस सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एज मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर देयर, ठीक है, इसलिए बॉडी को जो है बॉडी विल गिव प्रेफरेंस टू द कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो एनर्जी भी इसका एक फंक्शन हो गया, तो हमने 6 फंक्शन पढ़ ली, है ना, तो ये हो गए हमारे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू फैट क्या क्या काम आते हैं, है ना, तो जब काम आ रहे हैं तो फिर नुकसान भी करते हैं, तो उसका नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि फैट जो है ना जब बॉडी में से जा रहा होता है तो इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज जो होती है वो उनका डायमीटर जो होता है वैसे ही बहुत कम होता है, क्योंकि दैट इज हाईली इलास्टिक, है ना, तो इट हैज गॉट मसल्स, दे आर द मसल लेयर,
एंड इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज अगर कोलेस्ट्रॉल जाकर के जम जाए तो उसको नैरो डाउन कर देगा। नैरो डाउन करने से नुकसान ये हो गया कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल डिक्रीज, ब्लड स्लो डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, चलिए हमको चाहिए भी कमी होता है ब्लड, है ना, जो जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल है आज की तारीख में, हु इज वर्किंग एक्सेप्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड द लेबर क्लास, रेस्ट ऑल, अरे एक आदमी बैंक, एक टीचर है, क्या काम कर रहा है वो, ये मत कह देना टीचर बहुत काम करते हैं मेरे को पकड़ के मारेंगे सारे टीचर, टीचर बहुत काम करते हैं, चले ठीक है, वो आना जाना, क्लास टू क्लास जाना, भागना, कभी बच्चों को खिलाने भी ले जाना, कभी उठते भी जाना, कभी लाइब्रेरी जाना, कभी नीचे आना, कभी सामान ले जाना, है ना, चलो ठीक है, उसको छोड़िए आप। एक बैंक मैनेजर है, व्हाट डू ही डू, कार में बैठ के गए बैंक में गए, उतर गए, पियोन को बोला वो मेरा सूटकेस ले आओ या मेरी फाइल ले आओ कार में से, या तो ड्राइवर खुद ही लेकर कार हो, फिर वो जाना है रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ जाना घूमते रहे, एंड सब कुछ उनको वहाँ टीवी पे दिख रहा होता है। तो पहले तो जब ये टीवी नहीं आए थे सीसीटीवी, तो येट दे वर गोइंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, एटलीस्ट ट्वाइस थ्राइस वो चक्कर काट लेते थे, कहीं कहीं भीड़ भीड़ ज्यादा तो नहीं लग रहा, अब तो उठते ही नहीं है, हरा, एंड यहाँ वो वाटर फिल्टर रखा होगा, वो पानी नहीं पियेंगे वहां से, उनको बुलाएंगे पियोन को, गिव मी वाटर, गिव मी टी, उनका बस चले तो वो छोड़िए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्हाट एक्टिविटी, और खाना उतना कब नहीं करते। नाउ यू सी यूजुअली स्पोर्ट्स पीपल जो होते हैं वो वेट गेन कर लेते हैं, व्हाई, व्हेन दे वर इन द स्कूल टाइम, व्हेन दे वर स्पोर्ट्स, दे वर गोइंग टू जिम, दे वर इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स, तो उनकी एक डाइट हो गई, मे बी दैट फोर चपातीज इन अ टाइम एंड देर आर थ्री टाइम, तो वो टाइम वॉट एवर दे आर ईटिंग, फोर टाइम खाना नहीं खाते होंगे, चपाती थ्री टाइम खा रहे होंगे, बीच में वो दूध भी पी रहे होंगे, फ्रूट्स भी खा रहे होंगे, एंड इन बिटवीन देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो भी है ना। अब जब इवन इफ दे स्टॉप प्लेइंग जिमिंग एंड एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी, येट देयर डाइट विल नॉट स्टॉप, डाइट तो उतनी रहेगी। अगर मैं चार की जगह तीन चपाती खाऊंगा, मेरे को पेट के अंदर कुछ कुछ अजीब सा लगेगा, बोला अरे यार आज खाना नहीं खाया। सो दोज पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द हैवी एक्टिविटी एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व, नहीं है तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लड सप्लाई धीरे धीरे चलेगी, फिर वट एवर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड दैट विल बी प्रोवाइडेड, नो प्रॉब्लम, दैट विल, वट एवर फूड इज रिक्वायर्ड दैट विल, बट सच पर्सन इफ इंडल्ज इन टू हैवी एक्टिविटी सम डे और अदर, एक दिन वो जा रहे हैं उनके पीछे कुत्ता पड़ गया, अब भाग नहीं है, यू विल हैव टू लुक फॉर सेव हिज लाइफ, सो यू विल हैव टू रन, एंड दैट डे इट ही मे गेट शॉक, किसी ने खबर कर दी क्या आपके भाई साहब वो ऑफिस में ईडी वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, तो काफी है, ठीक है, या शादी का मामला हो या कुछ और हो, तो अटैक हो जाते हैं। व्हाई, व्हेन वी आर थिंकिंग, 40% ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड इन द ब्रेन, बॉडी का 40% ब्लड इज रिक्वायर्ड ओनली बाय द ब्रेन, जो वो लोग कहते हैं ना आप पढ़ते हो काम क्या करते हो बैठा भाई तो एक जगह, वो सबको बोल दो 40% तो ब्रेन को ही चाहिए जो हम खा रहे हैं उसका, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज द नर्व्स कंटिन्यूसली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर पोटेंशियल्स, उसमें एक करंट दौड़ता है, वो करंट मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कंज्यूम एनर्जी, सो इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग 40%, अच्छा जब हम सोचने लगेंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज, थिंकिंग विल इंक्रीज, टेंशन विल इंक्रीज, और ब्रेन सप्लाई दैट इज ब्लड सप्लाई, सो वहां ब्लड जाने लगती है। अब यार तो ये तो ऐसा हार्ड हो गया है ना, जो अगर मतलब हमारे कहीं घर की नालियां वालियां हो और उसके अंदर बरसाती पानी छत का निकल के आया और उसकी पूरी मिट्टी विट्टी ला करके अंदर ही अंदर जमा दे, कभी सीमेंट भी चला गया तो वो जम गया अंदर, अब जब ज्यादा पानी आएगा तो क्या वाटर विल रिमेन इन द बाथरूम ओनली, वो जा ही नहीं रहा उधर, क्यों, क्योंकि तो नाली का डायमीटर जो पहले इतना हमने इतना बड़ा डायमीटर बनाया था 4 इंच का, वो घट करके 3 इंच का 2.5 इंच का रह गया, नाउ द वाटर विच इज देयर That much of water is not passing through it. So the same thing is here. The heart is pumping, but blood is not going up. So ज़्यादा ही जोर लगाएं तो क्या होगा? ये रक्चर हो जाएगी. That is called hemorrhage, bleeding inside. तो कहाँ आती है hemorrhage? Usually in the delicate arteries जो होती है ना, brain में, आँखों में, kidney में,
एंड ये इंटरनली हो रहा है, अब बाहर कहीं चोट लगे तो हमको पता पड़ जाओ तो ब्लीडिंग हो गई, आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ करेंगे, बट इंटरनली इफ द ब्लीडिंग टेक प्लेस यू डोंट इवन कम टू नो. तो कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हार्मफुल ऑल्सो, रिक्वायर्ड ऑल्सो. अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे तो वो सारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन तो उसी के बने हैं, ठीक है. और क्या कहते हैं, एड्रिनल के कई सारे हार्मोन तो उसी के बने है ना. तो हार्मोन्स बनाने के लिए हार्मोन्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए है ना. तो देर आर गुड कोलेस्ट्रॉल, पीपल से देर आर गुड कोलेस्ट्रॉल, देर आर बैड कोलेस्ट्रॉल, एज सच देर इज नो सच गुड एंड बैड. तो बॉडी कर लेती है, बॉडी कौन सा हम एग्जैक्टली वही वाला कोलेस्ट्रॉल देंगे, हम कोई टैबलेट थोड़ी खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का गुड है. तो बॉडी विल हैव टू एकोमुलेट, मतलब डू द एडिटिंग है ना, इधर से ये चीज निकाल दो, इधर से ये चीज निकाल दो, इसको ऐसे बना दो है ना. तो बॉडी डज इट, बॉडी करती है उसको, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एडिटिंग एंड एडजस्टिंग एंड एकोमोडेटिंग एंड फिटिंग इट टू द बॉडीज रिक्वायरमेंट. सो दैट इज हाउ द रिसेंट कॉलेज. बट अगर वो खराब हुआ जम जाएंगे ना गलत जगहों पर, जरूरत से ज़्यादा खा रहे हो, एक अंडे के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल होता है वो काफ़ी होता है एक दिन के लिए, लेकिन अगर कोई चार अंडे खा रहा हो रोज और एक्सरसाइज नहीं कर रहा, खा रहा हो और उसको बर्न कर रहा है, वेल एंड गुड. इफ वन इज डूइंग जिमिंग अननेसरली अपनी एनर्जी, उसको बोलो इन सारे इक्विपमेंट के साथ में कोई वो भी लगा दो जनरेटर, तो वो कम से कम इससे इसे उठाए उठाए तो थोड़ी बिजली तो बनेगी, ठीक है. फालतू ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है. और क्या करते हैं, पहले तो पेट भर के खाओ तो आ जाए, उसके बाद पेट्रोल गाड़ी लेकर के वहां तक आओ सूचना केंद्र तक, पेट्रोल भी बिगाड़ो, उसके बाद वहाँ से यहाँ तक वॉक करो, फिर फ़ोन करके ड्राइवर को बुलाओ भैया इधर आ जा है, मैं थक गया हूँ तो फिर वहाँ पर जा करके दूध जलेबी खाओ. तो यही कर रहे होते हैं पीपल है ना. सो दैट इज समथिंग रॉन्ग, वी हैव टू डिज़ाइन आवर फूड हाउ मच इज रिक्वायर्ड है ना. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, गुड डे.